15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबलपुर, शहडोल संभाग के जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। वातावरण शुष्क होने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल में तीखे होंगे गर्मी के तेवर, लू के दिनों की संख्या बढ़ेगी। बीते 24 घंटों में सतना में लू चली, दमोह, खजुराहो, मंडला और सतना में गर्म रातें रहीं। तो बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबलपुर, शहडोल संभाग, वातावरण शुष्क होने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल में तीखे होंगे गर्मी के तेवर, तो लू के दिन भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लू के दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई है। जबलपुर, शहडोल संभाग में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। वातावरण शुष्क होने से दिन के तापमान में बदलाव देखने को मिला है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता वैभव गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, क्या नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर। कहा जा रहा है कि जो बारिश है उसके बाद लू के जो दिन होंगे उनमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। किस तरह से लोग इन दिनों से डील कर पाएंगे फिर? मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है अंशिका, उसकी माने तो 15 जिलों में बारिश का आसार है और इसके बाद मौसम में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार जो मौसम विभाग ने दो महीने का प्रेडिक्शन जारी किया है गर्मी के मौसम को, उसके अनुसार जानकारी है कि 2 डिग्री तापमान इस बार ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आएगा। अल नीनो का इसको इफेक्ट भी कहा जा रहा है, तो स्पष्ट है कि अप्रैल और मई में इस बार भीषण गर्मी मध्य प्रदेश में पड़ेगी। ये मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जारी कर दिया है। फिलहाल की हम बात की करें तो दिन के तापमान के साथ ही रात के तापमान में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में तो लू के हालात बने हुए हैं, हीट वेव भी चल रही है। लेकिन जैसे ही बारिश होगी तो बारिश के चलते थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी 1 से 2 दिन, लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा मुश्किलों का सामना प्रदेशवासियों को करना पड़ेगा। जी बिल्कुल वैभव, क्योंकि तापमान में अगर बढ़ोतरी होगी तो गर्म हवाएं भी चलेंगी, लू भी ज्यादा चलेगी। तो ऐसे हालातों में अगर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगा लिया गया है, तो अगर आगे आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है तो किस तरह से लोग उन सिचुएशन से डील कर पाएंगे? क्योंकि नौकरी पेशा लोग होंगे, लू की उस दौरान जब लू चल रही होगी तब उनको जाने में परेशानी होगी। बच्चों के लिए लू जो होती है बहुत खतरनाक होती है, बुजुर्गों के लिए भी खतरनाक साबित होती है, क्योंकि लू लगने के बाद अक्सर देखा जाता है तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से इस बार मौसम विभाग का पूर्वानुमान है तो लोगों को पहले ही सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि इस बार में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें समय से थोड़ा पहले घर से निकलना होगा और शाम ढलने के बाद ही वो घर वापस आए तो ठीक रहेगा, क्योंकि दिन में तापमान बहुत ज्यादा रहेगा, दिन में हीटवेव चलने की बात भी कही जा रही है। इसके साथ ही स्कूलों की टाइमिंग भी है, जो स्कूल 9 बजे से लगते हैं उन स्कूलों को टाइमिंग चेंज करके 8 या 7 बजे से उनको स्कूलों को लगने की बात कही जा रही है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। इसके साथ ही बुजुर्गों को भी दिन में बहुत जरूरी हो तभी किसी काम के लिए बाहर निकले, अन्यथा वो सुबह और शाम के वक्त ही इस काम को निपटाए, इस तरह की जानकारी मौसम विभाग को दी जा रही है। बिल्कुल वैभव, क्योंकि आने वाले मई और जून के महीने में भीषण गर्मी हो सकती है, यह पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। लू भी चल सकती है और गर्म हवाएं भी बहुत तेज चलती हुई नजर आएगी, जिसके लिए लोगों को पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए और इसको लेकर तैयारियां भी पहले से ही कर लेनी चाहिए। वैभव बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनोद तोमर मुरैना से मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, मुरैना में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से पहले से ही अब अनुमान लगा लिया गया है कि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, गर्म हवाएं चलती हुई नजर आएंगी और लू भी चलेगी। किस तरह का नजारा आप देखने को मिल रहा है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद? हाँ जी, मुरैना में तो पहले से ही 2 दिन पहले ही इतनी भयानक गर्मी थी कि लोगों को घर से निकलना बंद कर दिया था। ये दोपहर के समय जो लोग बाजार में खरीदी के लिए जाते थे वो भी निकलना घर में ही कैद होकर रह गए। लेकिन जो अभी दो दिन पहले ही जो मौसम एकदम हुआ और आंधी और उसके साथ बरसात और ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से हाल फिलहाल तो मौसम ठीक है, लेकिन जो दोपहर के समय जो गर्मी होती है इससे ऐसा मालूम पड़ता है जो शरीर की त्वचा है वो जलने लगती है, जिससे लोगों को घर से निकलने में बड़ी परेशानी आ रही है। और मौसम विभाग द्वारा ये भी उनको निर्देशित किया जा रहा है कि
जो घर से दोपहर के समय कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और पानी अधिक पिए, क्योंकि गर्मी आगे जो आने वाला समय है उसमें गर्मी की जो तापमान है वो अधिक रहेगा और लोगों को अधिक गर्मी का परेशानी करना पड़ेगा। बुजुर्गों को भी लगातार मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि सुबह के समय या शाम के समय ही घर से बाहर निकला करें। लेकिन ग्रामीणों की एक सबसे बड़ी समस्या रहेगी कि ग्रामीण जो गांव से और बाजार में खरीदी के लिए आएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत रहेगी गर्मी की, और उनको गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा और उनको उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि गांव से आने में, बाजार में शॉपिंग करने और शाम को घर लौटने में उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। जी बिल्कुल विनोद, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से अब गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये तो सामान्य सी बात है कि इन बातों को सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे बढ़ती गर्मी से वो बच सके, खुद को बचा सके, अपने बच्चों को बचा सके, अपने परिवारजनों को बचा सके, और साथ ही लू जो लगती है बच्चों को, बुजुर्गों को और आमजनों को, उससे भी खुद को बचाया जा सके। साथ ही विनोद, किसानों का क्या हाल है, क्योंकि गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बोला जाता है कि अभी बारिश हुई तो उससे भी किसानों की सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, तो क्या बढ़ती गर्मी की वजह से भी किसानों की फसलों को नुकसान होगा या फिर उसको फायदा पहुंचेगा, इसको लेकर क्या जानकारी? जी जी बिल्कुल, जो अगर गर्मी एकदम अधिक तेज हो गई, जो गेहूं की और ये चना की फसल है जो धीमे तरीके से जो पकती है वो एकदम जल्दी पकाएगी, क्योंकि उसमें उनकी जो उपज में भी अंतर आएगा, क्योंकि जो फसल है जो धीरे धीरे से अगर पकती है समय लेकर तो वो अच्छी पैदावार होती है, और जो एकदम गर्मी बढ़ती है और फसल एकदम पक जाती है तो उसमें कम पैदावार की होती है, तो किसानों को भी एकदम गर्मी बढ़ने से भी नुकसान होगा। हालांकि मौसम कुदरत ने भी उनकी फसल पर ओले गिरने से उनकी फसल वैसे भी नुकसान हो चुकी है, लेकिन अधिक गर्मी बढ़ने से किसानों की जो उपज है वो भी कम होगी। जी बिल्कुल विनोद, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी बढ़ती गर्मी नुकसानदायक ही साबित होगी, उपज यहाँ पर कम हो जाएगी, ओलावृष्टि बारिश से भी कई फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी भी खबर सामने आई है। विनोद बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शहडोल से कृष्णा तिवारी मेरे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। कृष्णा, शहडोल में क्या नजारा है? मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया जा चुका है, बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लू जो है वो बढ़ जाएगी, लू के दिनों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिये अंकिता, बता दूं मैं कि शहडोल में इस समय जिस तरह से गर्मी पड़ रही थी, अभी पिछले 3 दिनों से बात कर ली जाए होली के दिन से, तो तापमान इतना बढ़ चुका रहा कि 40 डिग्री तक पहुंच गया रहा। हालांकि लोग काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन कल जब मध्य प्रदेश के पहले जिलों में 15 जिलों में बारिश अलर्ट जारी किया गया, उसमें शहडोल भी शामिल है, तो एक रास्ते यहाँ पे हल्के फुल्के छींटे और तेज हवाएं चल रही थी। फिलहाल मौसम जो अभी यहाँ पे आसमान में बादल छाए हुए हैं, और आने वाले दिनों में अभी जो 2 दिन के मौसम विभाग ने जब बात की तो कहना कि 2 दिन यहाँ पे मौसम इस तरह का, लेकिन उसके बाद लेकिन तेज गर्मी पड़ेगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे गर्मी तेज पड़ रही है उसको लेकर कहीं मौसम जो अभी सुहावना हो गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं आम लोगों में काफी राहत है, जो कि गर्मी से काफी परेशान हो चले थे। अंकिता जी बिल्कुल कृष्णा, क्योंकि जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, हालांकि बारिश ओलावृष्टि के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब जो पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं आमजनों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो उसके साथ डील करवाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कृष्णा बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।